नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मुझे पता है कि आप सभी के इस समय नवरात्र के व्रत चल रहे होंगे। इसी अवसर पर मैं आज आपको एक बहुत ही सरल तथा बेहद चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जो अगर आप नवरात्र के आखिरी दिन मतलब नवमी के दिन अगर उसको करते हैं तो आपकी धन संबंधी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर चल रही होगी तो वो तुरंत दूर हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो उपाय क्या है और उसको कैसे किया जाता है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और साथ ही आपके चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि कुछ लोग नवमी के दिन अपना व्रत तोड़ देते हैं, यानी कि अपना व्रत खत्म कर देते हैं। ये सर्वथा उचित नहीं है, यानी नवमी के दिन आपको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसके दूसरे दिन मतलब दशमी के दिन आपको अपना व्रत जो है वो पूर्ण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका ये व्रत अधूरा रह जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्र का नवा दिन जो होता है वो माता सिद्धदात्री का होता है, और माता सिद्धदात्री ही आपके 9 दिनों के व्रत का जो फल होता है उसको प्रदान करती है। इसलिए आप इस दिन माता सिद्धदात्री को एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ी रख दीजिए और उसको बीड़ा बना लीजिए और उस पर एक लौंग डाल दीजिए। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए ये पान का पत्ता है, वैसे अभी फिलहाल ये पान का पत्ता नहीं, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये तो मैंने कहीं से भी ले आया हूँ। तो सपोज करिए ये पान का पत्ता है और इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी है, गुलाब की पंखुड़ी भी नहीं किसी और फूल की पंखुड़ी है। तो इस पंखुड़ी को ऐसे आप रख देंगे, ऐसे 7 पंखुड़ी ऐसे ऐसे करके आप ये 7 पंखुड़ी इस पर रख देंगे। आपने पान का पत्ता लिया, उसके ऊपर गुलाब की 7 पंखुड़ी रख दी और उसको फिर ऐसे रोल कर दिया। ये रोल हो गया, ये इस टाइप से आपने देखा होगा कि पान का बीड़ा बनता है। और फिर आप एक लौंग लीजिए, ये लौंग, और इसको लौंग को ऐसे ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए ये लौंग है और ये पान है, पान के अंदर आपको 7 गुलाब की पंखुड़ी है। तो इस तरह से आपको बीड़ा बनाना है और बीड़ा बनाकर आपको माँ सिद्धदात्री को अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है, वो मंत्र क्या है? ओम एम ह्रीम क्लीम सिद्धदात्रे नमः। तो इस मंत्र को बोलते हुए आपको यह पान का बीड़ा जो आपने बनाया है इसको माता सिद्धदात्री को अर्पित करना है। ये बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय है। अगर आप इस नवरात्र के आखिरी दिन मतलब नवमी के दिन इस उपाय को करते हैं तो माता रानी ने चाहा तो अगली नवरात्रि से पहले पहले आपकी सभी धन संबंधी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपको इस उपाय में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।